दस नामा सुनत श्रवण वाइब विश्रम। भगवान के नाम का स्मरण जब इस काम में होता है तो विश्रांति आती है, शांति आती है। संत आपके सामने से गुजर जाता है, आप नहीं जानते हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि आपके इस बगडोना सलैया में एक संत जी रहते हैं। जो संत हैं, ऐसे संत का दर्शन करके आपको परमात्मा की कृपा मिलेगी, लेकिन संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। किसी के परिवार में संत होता है, किसी का बेटा कलेक्टर हो जाता, प्रधानमंत्री हो जाता, और कहने का मतलब कि नेता हो जाता, बहुत आगे बढ़ता, पूंजीपति हो जाता, उद्योगपति हो जाता, लेकिन जिसके सात जन्मों के पूरे उदय होते उस परिवार में कोई संत पैदा होता है? संत जल्दी नहीं पैदा होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा तो आपके लिए रोते हैं, प्रेम में इतनी शक्ति है कि ईश्वर आपके लिए रोता है। आप देखिए कौशल्या के माता कौशल्या के यहां जब भगवान पैदा होते हैं तो विशाल स्वरूप नीलाम श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। विशाल शरीर में पैदा होते हैं, स्वरूप को देखकर मां डर जाती है, बोलते हैं कि क्या है, बोलते हैं इस स्वरूप में, इतने विशाल स्वरूप में कौन कहेगा आप हमारे बच्चे हैं। प्रभु ने कहा तो हमें क्या करना चाहिए, बोले आपको बालक बनना पड़ेगा। भगवान बालक बन गए, बोले लीला कहां से प्रारंभ करवे? उन्होंने कहा कि बालक पैदा होता है तो मुस्कुराता थोड़ा ना है, हंसता है नहीं है, रोता है। प्रभु बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले रोना पड़ेगा आपको, बोले अरे रोना पड़ेगा, बोले हाँ। तो सुनि बचन सो जाना, अरे रोदय न ठाना, कोई बालक सुर हो के साथ कथा का समापन तो कभी होता ही नहीं है। और हम आपके बंदन में अभिवादन में थोड़ा समय दिए, अब हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कथा आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे और उनके चरणों में श्री चरणों में हमारा बार बार चरण स्पर्श। गुरु महाराज की कृपा और सबके लिए भगवान की कृपा बनी रहे।